भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरे होने पर मुंबई के चैंबूर इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय जनता के साथ कार्यकर्ता व बीजेपी के नेतागण मौजूद रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता व सभी वक्ताओं ने पार्टी की 4 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने गिनाया और मोदी सरकार की तारीफ की और किस तरीके से लोग मोदी जी की छवि को खराब कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया। महाराष्ट्र की सरकार को आज 4 साल पूरे हुए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। 4 साल बेमिसाल, 1999 से लेकर 2014, 15 साल का वनवास इस महाराष्ट्र ने देखा है। जनता ने धोखाधड़ी देखी है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने पिछले 15 वर्षों से, यानी 99 से लेकर 2014 तक, इसी महाराष्ट्र की गोर गरीब जनता के साथ अन्याय और धोखाधड़ी की थी। आज पहले बार बिगर कांग्रेसी सरकार 4 साल पूरा करने जा रही है। एक सरकार थी 1995 से 1999 तक, 4.5 वर्षों की, स्वर्गीय गोपीनाथ जी के नेतृत्व में बनी हुई वो सरकार थी, और आज देवेंद्र जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है। 4 साल पूरे हुए हैं। महाराष्ट्र लगातार विकास की दौर पे आगे बढ़ रहा है। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। प्रतिभावान व्यक्ति की ऐसी आलीशान प्रतिमा इस हिंदुस्तान के गुजरात में नर्मदा सरोवर पे उन्होंने आज उसका अनावरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जन्म जयंती है। मैं हिंदुस्तान की करोड़ों जनता के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूँ। और विकास के माध्यम से जिस तेज़ी से, रफ्तार से महाराष्ट्र और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में लगातार आगे चल रहा है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के ख्यालों में और उनको ये सपना है कि हम वापस आएंगे, मैं आपके माध्यम से उनको यही कहता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, अगले 20 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं के परिश्रम और लगातार मेहनत से और जनता का विश्वास हासिल करते हुए लगातार आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निश्चित रूप से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगी। हमारे शासन को आने के बाद, देवेंद्र जी का शपथ विधि होने के बाद 4 साल 29 तारीख को पूरे हुए। 29 तारीख को हमने तय किया था कि हमारे देवेंद्र जी ने जो जो काम अच्छे किए सरकार के में आने के बाद, वो लोगों तक जाने के लिए एक हम प्रयास करें, और उसकी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ सभा लगाई थी। यहाँ हमारे मुंबई के महामंत्री सुनील राणे जी और जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर जी आए थे, उन्होंने संबोधित किया लोगों से, और जो उपलब्धियाँ हैं हमारी सरकार की वो लोगों तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तो सिर्फ 4 साल हुए, आप देखेंगे स्वतंत्रता मिल के 70 साल हुए हैं, उसमें से केंद्र और राज्य सरकार को 9 साल ही मिले काम करने में, और 61 वर्ष से आज कांग्रेस ही राज कर रही थी, मगर देश का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। परमाणु जैसा निर्णय हो, ऊपर से कारगिल युद्ध हो, ऊपर नोटबंदी, GST, मारेरा, ऐसे जितने भी निर्णय और निर्णय पूर्ण करने की क्षमता से भारतीय जनता पार्टी में है। आप देखेंगे मेट्रो के 4 काम चालू है, पूरी मोनो की आप हालत देख रहे, कांग्रेस के टाइम से क्या हो रही है। अब हमारे प्रवक्ता ने भी ये सभी कहा है यहाँ पे कि कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों का अगर तुलना करेंगे तो 9 साल में इतना काम हुआ है कि जो अगले 60 साल से भी नहीं हुआ है, और ऐसे ही लगा था 2019 में भी यही सरकार वापस बैठेगी, नरेंद्र जी केंद्र में मध्य प्रधान होंगे और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होंगे, और ऐसे ही कार्य विकास की ओर चलते रहेगा। हम तो यही मांग करते हैं कि हमें निशानी की ओर से कमल दिया जाए और चेंबूर में कमल वापस एक बार खेलेगा। हमारे सबके लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो काम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि जो 70 साल से हुआ नहीं वो काम अभी सब हो रहा है, और हम बहुत बहुत खुश है कि ऐसे ही काम आगे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास, और बहुत बहुत शुभकामनाएं।